हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी किचन यानी श्वेता की किचन में। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए सूजी का टेस्टी नाश्ता। इसको हम पिज़्ज़ा भी बोल सकते हैं। अगर आपको मैदा और चीज़ पसंद नहीं है तो ये आपके लिए बेस्ट है। तो देख लेते हैं हमें उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप सूजी और 1 कप दही यानी आधा कप दही। अब मैंने एक बाउल ले लिया है, उसके अंदर मैं 1 कप दही डालूंगी, यानी जो मैंने छोटा कप लिया है वो मैं दही डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी, यानी हमें इसको एक स्मूथ बैटर देना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि दही हमारा स्मूथ हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर ये 1 कप सूजी डाल रही हूँ और इसको भी अच्छे से इसके अंदर मिक्स करूंगी। और उसी कप से जिससे मैंने दही लिया था, उसी कप से ये आधा कप मैं पानी डाल रही हूँ इसके अंदर। और अब इसको अच्छे से मैं मिक्स करूंगी, यानी एक स्मूथ हमें बैटर बनाना है। फ्रेंड्स, हमारा बैटर स्मूथ हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसको आधी घंटे के लिए ढक के रख देती हूँ। अभी इसमें मैंने ना नमक डाला है ना कुछ भी, तो इसलिए मैं इसको आधी घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देती हूँ। फ्रेंड्स, हमें स्टफिंग के लिए चाहिए, तो ये मैंने एक मीडियम साइज का टमाटर लिया है, इसको मैंने बारीक काट लिया है। ये मैंने मीडियम साइज की एक ही प्याज ली है, इसको भी बारीक काट लिया है। ये मीडियम साइज की मैंने एक ही शिमला मिर्च ली है, इसको भी बारीक काट लिया है। ये मैंने सेल्सवान चटनी ली है, ये मैंने 2 चम्मच ली है। ये टमाटो सॉस है, ये मैंने 1 चम्मच लिया है। ये चिली फ्लेक्स है, तो ये मैंने 1 छोटी चम्मच लिया है। ये पिज्जा हब सीजलिंग है, तो इसको भी मैंने 1 चम्मच लिया है। ये रेड चिली सॉस है, इसको मैंने 1 चम्मच लिया है। और नमक मैं स्वाद के अनुसार लूंगी। तो चलिए अब इसको बनाते हैं। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैंने बाउल ले लिया है, उसके अंदर ये मैं प्याज डाल दे रही हूँ जो मैंने बारीक काटे थे। अब ये शिमला मिर्च और ये टमाटर। अब मैं इसके अंदर ये चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। ये पिज्जा हब सीजलिंग 1 चम्मच मैंने लिया था। ये 1 चम्मच टमाटो सॉस, 2 चम्मच सेल्सवान चटनी और 1 चम्मच रेड चिली सॉस। आप रेड चिली सॉस अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप कम मिर्ची वाला खाते हैं तो अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और फिर मैं डालूंगी 1 छोटी चम्मच नमक और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। नमक भी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि चटनी में हमारे नमक होता है, तो इसलिए मैंने कम डाला है। आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये हमारी टॉपिंग बनके तैयार हो चुकी है। तो अब हम अपने बैटर को देख लेते हैं, क्योंकि आधी घंटा हो चुका है। फ्रेंड्स, आधी घंटा हो गया है, तो मैं ये ढक्कन हटा के देख रही हूँ कि हमारा बैटर तैयार है या नहीं है, कि सूजी हमारी फूली है कि नहीं। तो सूजी हमारी अच्छी तरीके से फूल चुकी है, तो अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूँगी, क्योंकि हमें बैटर ऐसा चाहिए जैसे इडली का होता है, यानी इडली से थोड़ा सा पतला। तो मैं इस तरीके से पानी से इसको मिलाऊँगी, यानी ये हमारा बैटर थोड़ा पतला हो जाए। ना हमें ज़्यादा गाढ़ा बैटर चाहिए, ना ज़्यादा हमें पतला बैटर चाहिए। तो मैं इस तरीके से मिला रही हूँ और ये हमारा बैटर बनके तैयार हो गया है। तो अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक डालूंगी, यानी 1 चम्मच मैंने छोटी चम्मच लिया है, क्योंकि मैंने पहले भी नमक ऐड कर लिया था, तो इसलिए आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक डालें। और मैंने 1 चम्मच ये सोडा लिया है, तो आप इनो यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास खाने वाला सोडा नहीं है तो। और आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, ये आसानी से मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा बैटर बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड्स, मैंने एक पैन ले लिया है, अब मैं गैस ऑन कर दूंगी। गैस मैंने ऑन कर दी है और इसको थोड़ा सा हम गर्म होने देंगे। फ्रेंड्स, पैन गर्म हो चुका है, तो मैं अब इसके ऊपर ऑयल लगा देती हूँ। ऑयल के बाद ये मैं बैटर डालूंगी, पर बैटर हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है और हमें पैनकेक के साइज का केक बनाना है, यानी इस तरीके से ज्यादा बड़ा नहीं करना है, बस इस तरीके का हमें पैनकेक बनाना है। और फिर इसके ऊपर हम बैटर डालेंगे।
जो हमने टॉपिंग तैयार करी थी तो वो आप इस तरीके से डाल दें और इसको चम्मच से इसके चारों तरफ फैला दें। फ्रेंड्स, ये मैंने टॉपिंग डाल दी है, तो फिर उसके बाद ऊपर से फिर ये बैटर डाल देंगे और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसको इसके ऊपर फैला देंगे कि ये अच्छे से इसके ऊपर कोट हो जाए। बस इस बात का ध्यान रखें कि ये नीचे ना गिरे और इस बात का ध्यान रखें ये नीचे ना गिरे और इसके थोड़ा सा ऑयल और डाल दें और फिर इसको 5 से 7 मिनट के लिए ढक के बिल्कुल मीडियम गैस पे छोड़ दें। फ्रेंड्स, 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, तो मैं इसका ये ढक्कन हटा रही हूँ और देख रही हूँ कि पिज्जा हमारा सिका है या नहीं। तो मैं इस तरीके से इसको पलटूंगी, तो बिल्कुल आराम से धीरे से पलटना है आपको, सपोर्ट ले लें आप किसी चीज का और इसको इस तरीके से पलट दें और इसके चारों तरफ फिर से ऑयल लगा दें और इस तरीके से थोड़ा सा इसको ऐसे घुमा दें कि ऑयल इसके चारों तरफ चला जाए और फिर इसको फिर से ढक दें 5 मिनट के लिए। फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं, तो मैं इसका ये ढक्कन हटा रही हूँ और इसको पलट के देखती हूँ कि ये नीचे से सही से सिकाए या नहीं सिकाए। तो मैं इस तरीके से बिल्कुल धीरे से देखना है, तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल हमारा बढ़िया सिक गया है। तो अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूंगी और ये हमारा बनके बिल्कुल तैयार है और मैं इसकी अब प्लेटिंग करूंगी। फ्रेंड्स, ये बनके बिल्कुल रेडी है, तो मैंने इसको प्लेटिंग कर दी है इसकी और टमाटो सॉस के साथ रख दिया है। आप चटनी के साथ भी इसको खा सकते हैं। तो ये देखिए अंदर से ये कितना प्यारा लग रहा है, तो आप अपने बच्चों के टिफिन में भी भेज सकते हैं या आप नाश्ते में भी खा सकते हैं। तो अगर आपको मेरे पिज्जा की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।